गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, अर्थात राज्यपाल राज्य का प्रमुख और मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, उस परिस्थिति में जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह उसके विवेकाधिकार के अधीन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। और हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री अपनी शपथ, गोपनीयता की शपथ लेता है, जो कि राज्यपाल के सम्मुख वह लेता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। और मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। आज हम मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इसे समझेंगे। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में कुछ शक्तियों का प्रयोग करता है। वे इस प्रकार हैं। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री द्वारा जिनकी सिफारिश की जाती है, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल कर सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है, साथ ही वह उनके विभागों में फेरबदल या उन्हें बदल भी सकता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। यदि मंत्रियों में आपस में मतभेद हो जाता है, मंत्रियों में आपस में मतभेद होने की स्थिति में वह उनसे त्यागपत्र ले सकता है अथवा राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करके इसके फैसले को प्रभावित भी करता है, अर्थात मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
मंत्री मैं सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण और निर्देशन और मार्गदर्शन देता है। अर्थात मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग देता है, उनके कार्यों का नियंत्रण करता है, उन्हें निर्देश भी देता है और उन्हें मार्गदर्शन भी देता है। अर्थात मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन मुख्यमंत्री देता है। अपने कार्य से त्याग पत्र देकर वह पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री त्याग पत्र देकर पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। अर्थात मुख्यमंत्री के त्याग पत्र पर पूरी मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाती है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्री परिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। यदि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देता है या उसकी किसी वजह से मौत हो जाती है, तो पूरी मंत्री परिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। इसके विघटित होने का कारण यह है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है, तो मुख्यमंत्री उसे भर नहीं सकता। अर्थात यदि किसी मंत्री का पद रिक्त हो जाता है, तो मुख्यमंत्री उसके पद को भर नहीं सकता। इस प्रकार मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों में हमने आज मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां देखी, जिसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल को सिफारिश करता है कि वह मंत्रियों की नियुक्ति करे। अर्थात मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण और उनमें फेरबदल भी राज्यपाल को कहकर करवा सकता है। अर्थात मंत्रियों के विभागों का वितरण भी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री ही करता है। इसके अलावा यदि मंत्रियों में आपस में मतभेद हो जाता है, तो वह मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, और यदि वह त्याग पत्र नहीं देता, तो वह राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, और इन अध्यक्षताओं में मंत्री परिषद के फैसलों को मुख्यमंत्री प्रभावित भी करता है। ज्यादातर जो निर्णय हो मंत्री परिषद की बैठकों में जो निर्णय होते हैं, वे मुख्यमंत्री के फैसलों से ही प्रभावित होते हैं। अर्थात उनमें मुख्यमंत्री का ही दबाव रहता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के जो कार्य है, उनके क्रियाकलापों में उन्हें सहयोग भी देता है, नियंत्रण करता है, निर्देश देता है और मार्गदर्शन भी करता है। अर्थात मुख्यमंत्रियों को उनके क्रियाकलापों में मुख्यमंत्री का सहयोग प्राप्त होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उनके कार्यों का नियंत्रण करता है, उन्हें कार्य किस तरीके से करना है उसका निर्देश देता है, साथ ही साथ उन्हें मार्गदर्शन और अपना परामर्श भी देता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री यदि त्यागपत्र दे देता है, तो पूरी मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाती है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है, इसीलिए उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्री परिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया है, अतः उसके त्याग पत्र के देने से पूरी मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई मंत्री अपना पद रिक्त करता है, तो मुख्यमंत्री उससे अपने पद से नहीं भर सकता, उसे नया मंत्री नियुक्त करना होगा। आज हमने मुख्यमंत्री का पार्ट 2
2 पढ़ा, जिसमें हमने मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियों में मंत्री परिषद के संदर्भ में इसे देखा है। धन्यवाद।